जानवी कहाँ चली गई थी तुम? आराम से। ये रह गया था कियान का बांधा हुआ आपका ये फ्रेंडशिप बैंड। वो जब टायर में मेरा पैर अटक गया था तब शायद निकल गया होगा। अब से मैं कियान की किसी भी चीज पे हल्की भी खरोच नहीं आने दूंगी। चलें? हाँ चलो। जानवी जिस तरह तुमने मेरी और कियान के इस दोस्ती के प्रतीक इस अनमोल बैंड को बचाया है ना, रश्मि मैं हमारे कियान को बचा लूंगा। मुझ पे बस भरोसा रखो जानवी। कियान की जितनी फिक्र मुझे है उतनी ही आर्या सर की आंखों में भी दिख रही है। अगर इस वक्त ये मेरे साथ ना होते तो मैं अकेली भगवान ही जाने क्या कर पाती। ताई जी आपको ना यहाँ मेरे साथ नहीं आना चाहिए। कुछ भी अभी अभी तो तुम्हारी तबीयत से आ रही है बेटा, ऐसे में तुम्हें अकेले थोड़ी छोड़ सकते थे। तो वैसे भी प्रिंस के कारनामे जानने के बाद पता नहीं उस जानवी के घर वाले कितने आग बबूला होंगे। अरे हम तो चाहते ही ये हैं कि प्रिंस की हरकत जानने के बाद जानवी के परिवार वाले आग बबूला हो जाए। हमारे निशांत के पैसे रोके थे ना ब्रज भाई साहब ने, अब देखते हैं कि वो उस रैना के साथ क्या करेंगे जब उसके लाडले बेटे प्रिंस का कांड सामने आएगा। रिपोर्टर्स, ओ कपड़े कितने गंदे हो रहे हैं। रीवा मत खोल, वो पत्रकार होंगे, कब से नाक में दम कर रखे हुए। एक मिनट दादी, हमें किसी को कुछ भी नहीं बताना। रेवा हम अंदर आ सकते हैं? हाँ मैडम, आइए 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 जल्दी आइए। नमस्ते, बैठिए ना। मैडम आप लोग यहाँ? हाँ रेवा, मेरा फर्ज बनता है आप लोगों को ये बताना कि कियान के खोने की वजह हमारा प्रिंस है।